हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइडेड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग रैंक के बारे में, जो कि टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन निश्चित ही रैंक से पूछे जाएंगे, और जो कि 1000 प्रश्नों का संग्रह मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा रैंक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये सेट का 5वां भाग है, तो आइए चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में देखिए है, अक्षरांकन में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचा जाना चाहिए, तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को किस तरह से खींचा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचा जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं? हेक्सा ब्लेड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये एक बार और मैंने बता दिया है हेक्सा ब्लेड के बारे में, कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं उसे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तारों के व्यास को नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तारों के व्यास को नापने में फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, या फिर वायर गेज, रेडियो रेडियस गेज का, या स्नैप गेज का, या फिर वायर गेज का। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर, तारों के व्यास को नापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर वर्गाकार आधार वाले मुक्त हस्त ठोस पिरामिड को क्या कहते हैं? वर्गाकार आधार वाले मुक्त हस्त ठोस पिरामिड को क्या कहते हैं? तो वर्गाकार पिरामिड कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, रेखाचित्र पन्नों के आकार संकेतों के द्वारा विनिर्देशित किए जाते हैं, जैसे A0, A1, A2, A3, A4, A5 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आकार के रेखाचित्र पन्नों के सबसे बड़े आकार को प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने जो ड्राइंग शीट और पन्नों के बारे में था, तो मैं उसे डिटेल में आपको बताया हूँ आप पहला वीडियो में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी सारणी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A0 हो जाएगा, जो कि सबसे बड़े आकार का ड्राइंग शीट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसा पद्धति के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए पन्ने उपलब्ध होते हैं, तो किस कटे पन्ने को 4A या फिर A4 साइज के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 210x297 mm को A4 साइज के पेज के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी फिर अभी पहले बताया कि जो भी पेज के बारे में है, पन्ने के बारे में है, वो मैं आपको पहले वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया, तो आप वहाँ से एक बार वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, और ये सब जितने भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो वो सब आप 1 से 2 बार 3 बार अगर देखते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने वीडियो में लिया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए है, मुक्त हस्त चित्रण किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है? जैसे मुक्त हस्त चित्रण फ्री हैंड से कोई भी ड्राइंग बनाना हो, तो वो HB पेंसिल के द्वारा की जाती है। ठीक है, बनाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्षरण प्रायः किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है? तो अक्षरण 3H के पेंसिल से की जाती है, जो भी अक्षर वगैरह लिखा जाता है तो वो 3H के पेंसिल से लिखी जाती है, बनाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। IS विशिष्टता के अनुसार 210x297 mm माप का परिष्कृत रेखाचित्र पन्ना किस ग्रेड के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन देखिए A4 साइज के नाम से जाना जाता है, 210x297 mm का। ठीक है, इससे पहले देखिए यही क्वेश्चन था, लेकिन सेम क्वेश्चन है, लेकिन घुमा कर इसे पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया सभी प्रकार के झुके हुए अक्षरों को इटैलिक प्रकार के से वर्गीकृत किया जाता है, और इटैलिक प्रकार के अक्षर को ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री कोण पर झुकाकर लिखा जाता है? तो इटैलिक जो भी होता है, यहाँ पर देखिए पूछा गया, इटैलिक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, और इटैलिक प्रकार के अक्षर को ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री पर झुकाकर लिखा जाता है? तो वो 15 डिग्री पर झुकाकर इटैलिक को लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले किस साइड में बनाया जाता है? तो शीर्षक ब्लॉक आप लोग जानते हैं कि मैंने बताया है इसके बारे में भी, तो वो ड्राइंग शीट के दाहिने कोने में बनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग शीट के जैसे कि यहाँ पर ये होता है शीर्षक ब्लॉक, यहाँ पर आप बना सकते। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रायः एक आरेखन शीट पर
ओरिएंटेशन चिन्हों संकेतों की संख्या होती है। तो ये प्रायः एक आरेखन सीट पर ओरिएंटेशन चिन्हों और संकेतों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर दो होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग साइको की क्लास करना चाहते हैं, जैसे ये एग्जाम देने के बाद आप लोग का जिनका भी निकल जाएगा ये एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो वो लोग साइको की क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन साइको की क्लासेस कराऊंगा, जिसमें मैं लाइव वीडियो के द्वारा ये क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ड्राइंग शीट में लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होगा, तो ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अभियांत्रिकी आलेखन में किसका उपयोग होता है? तो अभियांत्रिकी आलेखन में चिन्ह का प्रयोग होता है, या रेखाएँ का, या फिर संकेत का, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन सभी का, चिन्ह का, संकेत का और रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभियांत्रिकी रेखन का मुख्य आधार क्या है? तो अभियांत्रिकी आधार रेखन का मुख्य आधार है रेखाएं हैं, शब्द है, या फिर दोनों है। तो यहाँ पर रेखाएं आपका सही आंसर हो जाएगा। अभियांत्रिकी आरेखन का मुख्य आधार रेखाएं हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? तो विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? तो मौखिक रूप में ली जाती है और लिखित रूप में, ये दोनों में ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं साइको क्लास कराने वाला हूँ, जो कि ऑनलाइन साइको क्लास का ये पहला क्लास रहेगा, पहला वीडियो रहेगा यूट्यूब पर सभी का। तो इसलिए लाइव क्लास देखना ना भूलिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज तल के लंबवत तल को कहते हैं। तो क्षैतिज तल के लंबवत तल को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। क्षैतिज तल ये हो जाता है, इसके लंबवत तल ये हो जाता है, तो लंबवत तल को ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑब्लिक प्रक्षेप किस प्रक्षेप के अंतर्गत आता है? तो ऑब्लिक प्रक्षेप जो होता है वो पिक्चोरियल प्रक्षेप, पिक्चोरियल मतलब कि चित्री प्रक्षेप के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी पुर्जे के निर्माण के लिए उसका विवरण किस प्रकार दिया जाता है? जैसे किसी पुर्जे का, किसी आप कोई डिवाइस बना रहे हैं, तो उसका विवरण किस प्रकार दिया जाता है? तो मौखिक रूप से दिया जाता है, या फिर विस्तृत रूप से, विस्तृत रेखाचित्र द्वारा दिया जाता है, या फिर दोनों द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विस्तृत रेखाचित्र के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरेखित सेक्शन किसे कहते हैं? तो संरेखित सेक्शन किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, कटिंग प्लेन को कहते हैं संरेखित सेक्शन, या फिर वांछित भागों को उल्टा घुमाकर जो सेक्शन बनता है उसे कहते हैं संरेखित सेक्शन, या फिर कटिंग प्लेन को वांछित भागों की तरफ घुमाकर बनता है उसे संरेखित सेक्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटिंग प्लेन को वांछित भागों की तरफ घुमाकर जो बनता है उसे संरेखित सेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुल सेक्शन पूछ दिया है, तो फुल सेक्शन किसे कहते हैं? तो फुल सेक्शन सीधे सीधे आपके कटे भाग से प्राप्त प्रक्षेप को ही फुल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया हुआ है, एफ पेंसिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एफ पेंसिल का प्रयोग लिखने में किया जाता है, या फिर आकृति बनाने में, या फिर अक्षरण में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एफ पेंसिल आप जानते हैं मध्यम पेंसिल के अंतर्गत आता है, तो एफ मध्यम पेंसिल का प्रयोग किया जाता है अक्षरण में, किया जाता है अक्षरण बनाने में। ठीक है, मतलब लिख अक्षर को लिखने में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्री प्रक्षेप की दूसरी विधि कौन सी है? तो चित्री प्रक्षेप की मतलब पिक्चोरियल आई प्रोजेक्शन की दूसरी विधि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देखते हैं, इसका आइसोमेट्रिक व्यू होता है, या ऑप्शन बी ऑब्लिक प्रक्षेप, या ऑप्शन सी इनमें से दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्लिक प्रक्षेप, चित्रीय प्रक्षेप की दूसरी विधि ऑब्लिक प्रक्षेप होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक के अक्षरों की ऊंचाई होती है, तो शीर्षक के अक्षरों की ऊंचाई होती है 6 से 8 mm होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, 6 से 8 mm होती है शीर्षक के अक्षरों की ऊंचाई।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और यदि किसी वस्तु की लंबाई 100 सेंटीमीटर को ड्राइंग में 50 सेंटीमीटर की लंबाई से दर्शाया जाता है, मतलब कि ड्राइंग शीट पर 50 सेंटीमीटर की लंबाई से दर्शाया जाता है और वस्तु की वास्तविक लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है, तो इसका निरूपक भिन्न क्या हो जाएगा? निरूपक भिन्न बराबर होता है ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई बटे वास्तविक वस्तु की लंबाई। तो 50/100 करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के टॉप 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करके बेल के आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद।